सरकारें बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन तो देती रही हैं, लेकिन हरियाणा में पेंशन के नाम पर एक नई क्रांति आई है। सरकारी योजनाओं में हर वर्ग की जनता को एड्रेस कर दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने इनके मन की बात को समझा। देखिए क्या है ये पेंशन स्कीम और इससे किसको मिलेगा फायदा। हरियाणा में सारे कुमारे इस वक्त यही गाना गा रहे होंगे। जिन कुमारों को कभी जीवन साथी नहीं मिल पाया वो अभी ताऊ खट्टर की जय जयकार कर रहे होंगे। देखिए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। भाई खबर ही कुछ ऐसी है। हरियाणा के सारे बैचलर्स के लिए मुख्यमंत्री ने खुशखबरी दी है। जिन लोगों के घर कभी शहनाई नहीं बच पाई खट्टर साहब ने उनके लिए पेंशन योजना का ऐलान किया है। हरियाणा में कुमारा पेंशन स्कीम लागू होने वाली है। 45 से 60 की उम्र के लोगों को कुमारा पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। योजना का लाभ अविवाहित पुरुष और महिलाएं दोनों को मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि एक जनसंवाद में एक बुजुर्ग ने सीएम से इसकी मांग की, जिसके बाद अधेड़ बैचलर्स का दर्द समझते हुए सीएम ने यह फैसला लिया है। इस स्कीम का लाभ 1,25,000 बैचलर्स को मिल सकता है। दरअसल हरियाणा में कुंवारों की संख्या काफी ज्यादा है। खराब लिंगानुपात की वजह से हरियाणा में युवा कुंवारे रह गए। हालांकि इस मामले में हरियाणा ने बहुत सुधार किया है, लेकिन जो कुंवारे रह गए उनका क्या? अच्छा, जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है ना अविवाहितों के लिए पेंशन के लिए, कदम तो इनका अच्छा है, मगर इसमें पारदर्शिता कैसे रहेगी, सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं ये देखना चाहूँगा चलो कि अविवाहित के लिए जो जो इन्होंने पेंशन लागू कर दिया है इन्होंने, लेकिन जो शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे नहीं पल पा रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया है? फैसला तो या तो पहले करना चाहिए था, अब तो वोट लेने के चक्कर में कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, और कुछ नहीं है। इसी 1,25,000 की आबादी को अब मुख्यमंत्री का तोहफा मिला है। इस मामले पर अफसरों के साथ सीएम की मीटिंग हो चुकी है और एक महीने के भीतर हरियाणा सरकार स्कीम को लागू करने की तैयारी में है। बता दें कि ऐसी स्कीम लागू करने के बाद हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। सीएम खट्टर ने खाली खाता तो भर दिया, लेकिन जिंदगी में जो तन्हाई है उसका क्या किया जाए साहब? टीम न्यूज़ नेशन।